स्टूडेंट कैसे हैं आप सर। आज हम चैप्टर क्लास 9 का जो है वो न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट को अगर हम डिफाइन करें तो ट्रांसपोर्ट सिंपली क्या है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। मिसाल के तौर पर हमने इनहेल के दौरान यानी कि इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेके गए, वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स से हमारे ब्लड में और ब्लड से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक गई, तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ जो है मटेरियल है। इसी तरह हमने जो खुराक खाई, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, हम फूड जो खाते हैं वो एक डाइजेस्टिव प्रोसेस से गुजरती है, वहाँ डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्मॉल पार्टिकल यानी कि जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं हमारी डाइजेशन के दौरान होने वाले खुराक के अंदर जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्जर्व होते हैं ब्लड में और वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट ऑफ मटेरियल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब मूवमेंट ऑफ मटेरियल की जब हम बात करें तो हम तमाम तरह ऑर्गेनिज्म या मोस्टली हम कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जिनके अंदर प्लांट्स और ह्यूमंस आते हैं या मैमल्स आते हैं। तो प्लांट्स की जब हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होती है। ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट्स के अंदर मोस्टली जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज जिसका नाम वाटर है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसके जरिए होती है। और वाटर जो है वो बहुत नेसेसरी है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स जो है ट्रांसपोर्ट अपने अंदर तमाम तरह मटीरियल की वाटर के जरिए करवाते हैं। वाटर के जरिए जो है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ जो वाटर है उसके अंदर होती है, तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटीरियल को एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फूड जो है प्लांट्स के अंदर वो भी वाटर के जरिए होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो अपनी खुराक बना रहे हैं उसको तमाम तरह पार्ट्स के अंदर पहुंचाना वो भी वाटर के जरिए। और इसी चैप्टर में हम इन दोनों मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्शन ऑफ वाटर कैसे होती है ताकि उससे मिनरल्स जो है वो एरियल पार्ट्स तक पहुंचे, और इसी तरह कंडक्शन ऑफ फूड कैसे होती है ताकि वो तमाम तरह पार्ट्स तक पहुंचे। अब वाटर अब्जॉर्प्शन की जब हम बात करें तो इट्स अ वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट। वाटर अब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह होगी, तो बात करते हैं वाटर एंड आयन अपटेक, यानी कि वो अपने जो आयन जो सॉइल से ले रहे हैं तो उसके हवाले से बात होगी। तो ये दोनों चीजें प्लांट जो है वो सॉइल से लेते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्लांट का जिसके जरिए वो वाटर और आयन अपटेक करेंगे वो है रूट्स। रूट्स परफॉर्म वाइटल रोल। सबसे पहला एंकर प्लांट्स यानी कि वो जो पौधे को पैबस्त करके रखे हुए हैं जमीन के साथ, इतना बड़ा पौधा और उसको जमीन से जकड़े हुए है, वो रूट्स का काम है। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी कि वाटर और आयन की अब्जॉर्प्शन के लिए जो है ये बहुत जरूरी है। तो लिहाजा साबित हुआ कि रूट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो बात कर लेते हैं इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ रूट के हवाले से। तो देखें मेरा बेटा, ये हमारे सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर है रूट का, थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं इसे। तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट में सबसे पहले उसके सेंटर में आ रहे हैं कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्शन टिश्यूज भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यूज क्या है, जाइलम और फ्लोएम ग्रुप करके यानी कि वो कलेक्टिवली कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं जो कि कंडक्शन करवा रहे हैं। बेसिकली इन्हें कंडक्टिंग टिश्यूज इस बुनियाद पर कहा जाता है कि ये कंडक्शन करवा रहे हैं, और कंडक्शन किस चीज की करवा रहे हैं, वाटर की और फूड की कंडक्शन करवा रहे हैं, इस बुनियाद पर इन्हें कहा जाता है। अब ये जो है वो एक रॉड शेप पॉड बनाते हैं इन द सेंटर ऑफ द रूट, रूट के सेंटर में। तो जैसे आप ये डायग्राम के अंदर ये रॉड शेप पॉड देख सकते हैं, ठीक है। अब इन रॉड शेप पॉड कंडक्टिंग टिश्यूज के इर्द गिर्द एक लेयर होती है, जैसे कि ये लेयर हमें नजर आ रही है, ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, ये लेयर कहलाती है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज के आउटसाइड प्रेजेंट होगी। नैरो लेयर है, थिन वॉल सेल यानी कि नैरो सी एक लेयर है और थिन सेल होते हैं इसके, और सिंगल लेयर ऑफ सेल है। जब हम बात करते हैं पेरिसाइकल तो उसके आउटसाइड आती है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस जो है वो यहाँ पर, जब भी आपने एंडोडर्मिस वर्ड पढ़ना है तो बेटा इसके टू जो है वो मीन्स है, ग्रीक वर्ड है एंडो मीन इनसाइड, डर्मिस डर्मिस वर्ड ड्रम से लिया गया है, और ड्रम कहते हैं लेयर को। तो इनसाइड लेयर, तो इनसाइड ये सिंगल लेयर ऑफ सेल जो आपको ब्लैक में नजर आ रही है ये कहलाएगी एंडोडर्मिस, जो के क्या कर रही है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, पेरिसाइकल को सराउंड किए हुए है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई है सिंगल लेयर ऑफ सेल एंडोडर्मिस। इसके बाद हम बात करें तो यहां पर मौजूद है हमारे पास कॉर्टेक्स। तो ये मेरा बेटा हमारे पास आ गई कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स की बात करें तो एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये ब्लू
कलर के जो लेयर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, ये टू लेयर्स मैंने बनाई है, एक ये लेयर ऑफ सेल है, एक इसके बाद, तो ये कॉर्टेक्स है। ब्रॉड जोन बनाते हैं लार्ज सेल्स होते हैं, थिन वॉल सेल्स होते हैं, ठीक है। लार्ज इनका साइज है, ओवल शेप के होते हैं और थिन वॉल। मोस्टली आपने ये पढ़ा था पैरेन्काइमा, ठीक है, तो इस तरह के ये होते हैं पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। तो मोस्टली यहां पर ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। अच्छा, अब एपिडर्मिस की बात करते हैं। कॉर्टेक्स के बाहर जैसे कि आप रेड में देख रहे हैं, ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल है। एपी वर्ड जहां भी आएगा मेरा बेटा, ये इसका मीनिंग हमेशा होगा आउटसाइड। डर्मिस वर्ड डर्म से, जिसका मीनिंग है लेयर, तो ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स, अब उस कॉर्टेक्स के बाहर एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस की प्रोजेक्शन से कुछ सेल्स बनते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो ये देखिए, ये प्रोजेक्शन जो है हमें नजर आ रही है रूट हेयर्स की शक्ल में। तो पढ़ते हैं बेसिकली ये रूट हेयर्स जो है वो करते क्या है। अब ये सारी समरी जो है हमारे पास रूट हेयर्स की, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के हवाले से। अब वो क्या कह रहा है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशन होती है, प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया। इनका जो साइटोप्लाज्म, ये वर्ड साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर, ये प्रोवाइड करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे ये हमारे पास जो है वो सॉल्ट आ गया, ये सॉल्ट क्या करेगा, आपको फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस याद आना चाहिए, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक में क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन रूट हेयर में ज्यादा है, तो क्या होगा, इस रूट हेयर के इर्द-गिर्द जितना भी वाटर है, लाइक ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो रूट हेयर के इनसाइड मूव कर जाएंगे और उनके इनसाइड जाने से वो सारा पानी जो है वो कंडक्टिंग टिश्यूज में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसलिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसके अलावा रूट्स अपने हेयर्स में और अपने सेल्स में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा करते हैं बाय डिफ्यूजन और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ताकि वो जो है क्या कर सके, फॉर दी हेल्प इन दी एंट्री ऑफ वाटर, वाटर जो है अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन जितनी रूट में ज्यादा होगी वाटर सोयल से उतना ही ज्यादा उनके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये वाटर कैरीज करते हैं, जब वाटर रूट हेयर में आ जाएगा तो वो जाइलम वेसल के जरिए उसके एरियल पार्ट्स के अंदर चला जाएगा। तो ये मेरा बेटा हमारे पास आज का टॉपिक था, आयन एंड वाटर अपटेक, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेरा बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आ जाता है, इसमें जो शॉर्ट्स बनते हैं वो इसी वाले से बनेंगे, जैसे कंडक्टिंग टिश्यूज क्या है, पेरिसाइकल क्या है, एंडोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, एपिडर्मिस क्या है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाट इज रूट हेयर एंड राइट्स इट्स फंक्शन। तो नीचे वाली जो समरी है अगर आप अपनी बुक को देखें, तो लास्ट वाला जो छोटा सा पैराग्राफ है 3-4 लाइनों का इस टॉपिक का, वहां पर आपने रूट हेयर की डेफिनेशन और उसके फंक्शन, डेफिनेशन एक आधी लाइन की है, जैसे एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस है, बाकी उसके फंक्शनिंग में ही सारा आता है। तो ये आपने लिखना है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और ये जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो इस तरह की आपने एक डायग्राम ड्रा करनी है इसके साथ। तो ये आज तक का हमारा टॉपिक था, वाटर एंड आयन अपटेक। अब उनकी कंडक्शन जो है वो किस मैकेनिज्म के जरिए होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। तो इसलिए इसी चैप्टर के साथ हमने उस टॉपिक में पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।